दोस्तों नमस्कार, यूनिक फार्मिंग एंड रेंज के एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों एक ऐसे ही छोटे से फार्म पे हम आए हुए हैं जहाँ पे लगभग 500 बर्ड, आपको बैक साइड में हम दिखा दें तो यहाँ पे 500 मुर्गियों का पालन हो रहा है और इनको डाले हुए कुछ ही दिन हुए हैं, एक महीना प्लस यानी एक महीना कुछ टाइम हुआ है इनको डाले हुए और इनका एक अच्छा खासा वेट आ चुका है। इसमें डबल एफजी और सोनाली दोनों का पालन हो रहा है। एक फार्मर है जो फर्स्ट टाइम ही ये पालन किए हुए हैं और इसको ग्रोथ भी अच्छा खासा देखने को आ रहा है। तो आइए इनसे, इन्हीं के जुबानी इनका थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेते हैं कि कहाँ से चूजा लाए, प्लस कैसे तैयार कर रहे हैं और क्या इसमें नुकसान या क्या बेनिफिट इनको दिख रहा है, इसके पूरे विषय में बात करेंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल यूनिक फार्मिंग एरियाज में। आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को अपना नाम और इस जगह का पता बता दीजिए। जी, मेरा नाम मुकेश है। ओके। ये बसाऊ बिंटोलिया के नाम से जाना जाता है, काली स्थान के पास में। ओके। जी, जिला सिवान में आता है। जी, ओके, सिवान है जी, थाना बसंतपुर पड़ेगा। ओके ओके। पोल्ट्री फार्मिंग की अगर बात की तो आपके थोड़ा सा बैकग्राउंड में चलते हैं, आपने फर्स्ट टाइम ही पोल्ट्री फार्मिंग चालू किया है जी। इसके पहले आप कौन सा काम करते थे? जी, उसके पहले मैं ड्राइवरी कर रहा था। अब ड्राइवरी कर रहे थे जी, आपका वीडियो देखकर। अच्छा, हमारे क्या बात, मैं खोला हूँ। ओके, तो अभी आपने कितने मुर्गियों से शुरू किया है? जी, 500 डाले थे। मोर्टेलिटी भी हुआ है, कुछ मोर्टेलिटी भी हुआ है। कितना पीसेस में से मोर्टेलिटी हुआ है? जी, वही 20-30 पीस मोर्टेलिटी हुआ है जी। इसको डाले हुए कितना टाइम हो गया? ये हो गया 1 महीना 12-13 दिन हो गया। 1 महीना 12-13 दिन हो गया डाले हुए। इसमें हम देख रहे हैं कि आपका डबल एफजी के साथ सोनाली भी डाले हुए हैं, दोनों आपने मिक्स ब्रीड डाला हुआ है जी। तो जब आप चूजा लाए थे दोनों साथ में ही लाए थे या अलग अलग लाए थे? नहीं, दोनों साथ में ही लेकर आए थे जी। डबल एफजी और सोनाली दोनों 250-250 दोनों लेकर आए थे। 250-250 दोनों लेकर आए थे जी। मगर डबल एफजी मेरे को थोड़ा ज्यादा देर मिल गया। अच्छा अच्छा अच्छा। सोनाली कम मिला। दोनों का रेट क्या पड़ गया आपको? जी, दोनों का मेरे को अब नया, हम भी है तो मेरे को कुछ मालूम नहीं था, जानकारी आपको नहीं था कहीं जी, जानकारी नहीं था, इसलिए मेरे को दोनों का 28 रुपये का रेट से। 28 तो सोनाली का भी और डबल एफजी का ही जी। आपने लोकल एरिया से ही लिया था जी। चलिए, तो कैसे, मतलब आपने मेरा वीडियो देख करके इसको शुरुआत किया जी। ओके, तो अभी आप काम भी कर रहे हैं या फुल टाइम इसी पे हैं? जी, कोई काम नहीं कर रहे हैं, तो फुल टाइम इसी पे हैं जी। ओके, तो अभी आपने 500 मुर्गी से शुरुआत किया है और अभी कुछ मोर्टेलिटी हुआ है जिसमें से कुछ मुर्गी आपके पास अभी नहीं है जी, बाकी मुर्गियां हैं आपके पास। हाँ जी। इस फार्म की अगर बात की जाए तो आपका तो ये फार्म आपने बनवाया हुआ नहीं मेरे ख्याल से लगता है, ये पुराना फार्म है, तो ये फार्म आप ही का है या आपने रेंट पे लिया हुआ था, उसको बताना चाहें? नहीं, रेंट पे लिया है ये फार्म, आप रेंट पे लिए हैं। ओके, और इसी में पालन आप कर रहे हैं जी। क्या एरिया होगा फार्म की जिसमें मुर्गियां अभी रह रही है? 50 फीट होगा लंबा। 50 फीट लंबा है जी। और चौड़ाई की अगर बात किया जाए तो 12 फीट चौड़ा है। ओके, तो बात की तो इसमें आप, हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा आपने कड़कनाथ भी रखा हुआ है और कुछ बर्ड जो देख रहे हैं आपके पास सोनाली में बड़ा मुर्गी भी है जी। तो बड़ी मुर्गियों की संख्या आपके पास कितनी है? ये बड़ी मुर्गी की संख्या यही 30-35 है। 30-35 है। और ये कितना टाइम हो गया इनको डाले हुए और इनका पर्पज क्या है, आप किस वजह से इनको पालन कर रहे हैं? ये अंडे के लिए उसको पालन कर रहे हैं। अंडे के लिए पालन कर रहे हैं। कितना टाइम हो गया डाले हुए? एक महीना हो गया जी। आपने यानी तैयार मुर्गी ही खरीदा था जी? अच्छा अच्छा, तो अभी एक महीना आपको डाले हुए है, अंडा अभी दे रही है कि नहीं? अभी दे रही है, अंडा दे रही है। कितना अंडा अभी आपके पास आ रहा है? वही 10 अंडा आता है। 10 अंडा डेली अभी आ रहा है जी। कहीं ना कहीं धीरे धीरे बढ़ेगी तो अंडा इनका निकलना चालू होगा। और जी, अभी उनकी अगर दाने की बात की तो क्या दे रहे हैं दाने में उनको? फेस वन दे रहे हैं दाने में, लेयर फीड दे रहे हैं। फेस वन? फेस। ओके, दाने के साथ और कुछ भी देते हैं उनको? जी नहीं, वही देते हैं, धान उन देते हैं और कभी काल उधर बाहर में चराते हैं तो अपने वो कभी चावल डाल दिए धान। अच्छा अच्छा, धान भी देते हैं दाने के साथ और लेयर फीड तो चला ही रहे हैं जी। ठीक है, अगर बात कीजिए आपकी इस पोल्ट्री फार्मिंग की, जो 500 जिसमें मुर्गी है, इनको शुरू में लाए तो उस समय क्या खिलाए, अभी इनको क्या खिला रहे हैं थोड़ा सा? शुरू में लेकर आए थे तो फ्री स्टार्टर खिलाए जी। 500 मुर्गियों में कितना प्री स्टार्टर बैग खा गई है?
मैं तो ऐसे 3 बैग खिलाया था जी 500 मुर्गी में। अच्छा। और गुरुवार और चल रहा है उसका पहले एक और जो दाना आता है क्रम्स आता है चिक्स क्रम्स आता है जी। अच्छा तो वो भी आपने खिलाया था जी। कितना बैग खिलाया था आपने? खिलाया था 5-6 बैग वो खिला दिया 5-6 बैग। अभी गुरुवार आप चला रहे हैं? अभी गुरुवार। अब तक अगर बात की तो 1 महीना आपका 12-13 दिन हो गए डाले हुए जी। अभी अच्छा रीजन आपका क्या है, आप अंडे के पर्पज से पालन कर रहे हैं या मीट के पर्पज से सेल करना है इनको? ये नहीं वो झांपी वाला जो होता है लोग उसके लिए भी बेच देंगे, नहीं तो गांव वाला भी आएगा लोग करने के लिए। अच्छा, उसको भी देंगे। तो ये आप मीट के पर्पज से ही सेल करना चाहते हैं जी। तो अभी तो आपकी एक तरह से देखा जाए तो मुर्गी तैयार हो गई है जी। अभी बात की तो डबल एफ सी का वेट क्या हो गया है और सोनाली का वेट क्या हो गया है? सोनाली वही 400 का है आसपास में है जी। 400+ होगा, 400 FG वही 800+ है। 800+ है तो अभी भी अगर आपके पास ऑफर आता है सेल करने के लिए तो आप सेल कर देंगे जी। अच्छा अच्छा अभी अगर बात की तो आपने अब तक कितना दाना इनको खिला चुके हैं? अभी तक कम से कम नहीं तो 12-13 बैग खिलाए होंगे सब लेकर के जी। ग्रोवर से लेकर के पीडीए शटर आपने सब 12-13 बैग आपने खिलाया हुआ है? 13 बैग आपने खिलाया हुआ है। ओके तो 13 बैग लगभग अगर बात की तो क्या खर्चा पड़ गया दाना खिलाने में आपको? ये मेरे 37-38 हज़ार रुपया 37-38 हज़ार रुपया लग गया अब तक जी। इसको खिलाने में कुछ मेडिसिन भी है उसमें? कुछ मेडिसिन भी है जी। अच्छा जब से लाए हैं आपकी फार्म पे भी कुछ बीमारी आया था, इसके बारे में कुछ बताना चाहें? बीमारी तो कोई नहीं आया जी। आपकी जो मोर्टेलिटी हुआ मुर्गियों का उसका कारण क्या रहा? उसका कारण थोड़ा मैं बड़े वाला मुर्गी लेकर आया था उसमें कुछ उतना मेरे को भी जानकारी नहीं था जी। फर्स्ट टाइम किए हैं जी। उतना मेरे को खुद जानकारी नहीं था जी। मगर डॉक्टर से जाकर मिलने के बाद वो एक दो दवाई दी है उस पर अभी सही है। अच्छा वो दवाई दी है तो उसके बाद से अभी सही है जी। चलिए ठीक है बहुत है। अभी जो है आपके पास देख रहे हैं कुछ बर्ड हम चूजा देख रहे हैं कड़कनाथ का भी जी। तो इसको आपने कब मंगाया था, कितना टाइम हो गया इनको मंगाया हुए और क्या रेट आया था? जी मैं 25 रुपये का लिया के वो अंडा बैठाया था अपने हिचिंग से मैं निकाला हूँ। ओके और निकाल कर और लिया के इधर रखे हैं। आपने 25 रुपये का अंडा लाया था जी। और अपने हैचरी में आपके पास हैचरी भी है जी? 200 अंडा का हैचरी है। आपने ऑटोमेटिक खरीदा हुआ है जी? अच्छा अच्छा 200 अंडा उसमें डलता है जी। तो आप उसी में से हैचबिलिटी निकाल करके और अपने पास डाले थे जी। कितना पीस अभी कड़कनाथ का आपके पास होगा? वही नौ बच्चा है कड़कनाथ का आपने डाला हुआ है जी। अभी उसको तैयार कर रहे हैं जी। आपने बताया कि आपको जो एक मेरा पहले बड़ी मुर्गी को खरीदा था और ये बड़ी साइज में ही खरीदा था जी। तो इसको कहाँ से खरीदा था और क्या रेट पड़ गया था खरीदने का? खरीदने का मैं 230 रुपये केजी किन के लेकर आया था। 230 रुपये केजी आपने खरीद कर लाया था जी। ओके अपने फार्म पे जी। कितना मुर्गा और उसमें मुर्गी कितनी है? मुर्गा 6 मुर्गा था जी जी और बाकी सब मुर्गी थी। बाकी सब मुर्गी थी। आपने ये बताया कि आपका फार्म ये रेंट पे है, तो रेंट का खर्चा कितना आ रहा है थोड़ा सा बताना चाहें? ये वो रिपेयर ऊपर कराने में मेरे को वही 12-13 हज़ार आ गया। ये फार्म जो था पहले से बना हुआ था और कहीं फूटा हुआ था, आपको रिपेयरिंग कराना पड़ा जी, जी। अच्छा 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 तो रिपेयरिंग कराने में आपको 12-13 हज़ार रुपया लग गया जी। ओके तो उसी का जो है वो आपने लागत लगाया है जी। ठीक है और उसी उसके बाद से अपने फार्म का खर्चा नहीं दिए हैं? नहीं वो बोले हैं 2 सीजन चलाने के लिए, 2 सीजन चलने के बाद उसके बाद 12 के लिए बात की है। 2 सीजन यानी 2 साल का कि सिर्फ मुर्गियों का? 2 सीजन 2 सीजन 2 साल के लिए बोले हैं। 2 साल के लिए बोले हैं 12-13 हज़ार जो लागत में जी। उसके बाद से देखा जाएगा जो भी रेंट आएगा जी। ओके आपने फर्स्ट टाइम ये स्टार्टिंग किया तो जहाँ तक बात कीजिए 500 मुर्गियों के लिए कितना आपको ड्रिंकर और फीडर खरीदना पड़ा? वही 10 ड्रिंकर है और पानी के लिए 10 वो भी है, 50 वाट पर एक ड्रिंकर चाहिए जी 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 जी। तो कितना खर्चा आ गया लगभग? लगभग आ गया मेरे को 12-13 सौ इसको आ गया था ड्रिंकर में जी। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। अगर आप 500 मुर्गी से स्टार्टअप करना चाहते हैं मीट के पर्पज से, आप 1 से 1.5 महीने उनको रखना चाहते हैं, हाफ एन और यानी आधा केजी साइज में अगर करना चाहते हैं तो आपको अंदाज़ा लग चुका होगा कि कितना पैकेट दाना खाएगी, कितना लगभग आपका कॉस्ट आएगा मुर्गी पालन में।
तो एक बेसिक जानकारी था जो नए फार्मर हैं, हमारे सब्सक्राइबर हैं, इन्होंने स्टार्ट किया हमारा ये वीडियो देख करके स्टार्ट किया, फर्स्ट टाइम में है, थोड़ा सा तकलीफ आ रही है, दिक्कत आ रही है फर्स्ट टाइम में, इसके बाद से अगर मार्केटिंग पकड़ ली तो दिक्कत नहीं आएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बोलना चाहूँगा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि कई सारे फार्मर वीडियो तो देखते हैं प्लस सब्सक्राइब नहीं करते। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी जरूर कीजिए। धन्यवाद।